बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप तमाम तलबा तलबात के लिए एक इम्पोर्टेंट जो अपडेट है इम्तहानात के हवाले से, बोर्ड्स इम्तहानात के जो डिसीजंस एजुकेशन मिनिस्टर्स ने लिए थे कि सिर्फ़ और सिर्फ इख्तियारी मजामीन जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं मैट्रिक के इंटर के उनका एग्ज़ाम होगा और उसके अलावा जो प्रोपोर्शनल मार्क्स होंगे वो आपको दिए जाएंगे। मैंने सुबह आपके सामने वीडियो भी अपलोड की थी, लेकिन इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स अभी एजुकेशनल बोर्ड्स के चेयरमैन की तरफ से आई हैं जो असल में कन्फ्यूजन बनी हुई है स्टूडेंट्स को, वो आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे हैं कि सर, सुना है न्यूज़ में चल रहा है कि इम्तहानात जो है वो सारे मजामीन का होगा, लाजमी सब्जेक्ट्स भी जो और इख्तियारी मजामीन भी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं वो उस बात की हकीकत क्या है और वो असल में बात है क्या। एक तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जितने भी चेयरमैन हैं बोर्ड्स के, जिसमें तमाम एजुकेशनल बोर्ड्स लाहौर, गुजरांवाला, सरगोधा, साहिवाल, बहावलपुर, के पी, सारे बोर्ड्स के जो चेयरमैन हैं उनका एक इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर वो सर जोड़ के जब बैठे हैं और उन्होंने सामने सारी बातें की हैं कि जो मीटिंग के अंदर एजुकेशनल मिनिस्टर्स ने कहा है कि सिर्फ फोर मजामीन जो होंगे वो मैट्रिक का इम्तिहान देंगे स्टूडेंट्स, और जो इंटर के होंगे वो सिर्फ तीन सब्जेक्ट्स होंगे, यानी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, सिर्फ उनका एग्जाम होगा। तो चेयरमैन जो है उन्होंने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है, सारे बोर्ड्स के चेयरमैन ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर जो है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का एग्जाम देते हैं स्टूडेंट्स तो हमें फार्मूला निकाल के दें कि बाकी जो मजामीन हैं, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, लाजमी मजामीन है, उनका कैसे जो है वो मार्क्स हम देंगे, ये फार्मूला हमें निकाल के दें। उन्होंने अपने खदशे का इजहार किया, ये आपको मैं क्लियर करता चलूँ। इसलिए लाजमी और इख्तियारी मजामीन का जो है जब तक नोटिफिकेशन कोई क्लियर नहीं होता तब तक स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूज रहेंगे। तो बोर्ड्स को भी चाहिए और एजुकेशन मिनिस्टर्स को भी चाहिए कि एक परमानेंट जो है हर एक प्रोविंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक लाजमी सा एक नोटिफिकेशन कर दें कि उसके मुताबिक बता दें कि जो लाजमी मजामीन है उनका जो मार्क्स होंगे वो उनको इस तरीके से मिलेंगे, ताकि जो है स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो और जो ये न्यूज़ के अंदर चल रहा है कि सारे मजामीन का एक एग्ज़ाम होगा तो उनके जो मेंटेलिटी अप्रोच है वो भी ठीक नहीं और वो तैयारी भी ठीक से नहीं कर पा रहे। तो इसलिए इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको बताया जाएगा, फैसले में तब्दीली के हवाले से जो भी होगा वो आपको खान टीचिंग से बताया जाएगा। अब तक की न्यूज़ के मुताबिक ये चेयरमैन के इजलास के अंदर ये सारी कहानी सामने आई है तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कोई ना कोई वे ज़रूर निकल आएगा आपके लिए, इंशाल्लाह उम्मीद रखें आपका इम्तहान जो है वो अच्छे तरीके से होगा और आप इंशाल्लाह तमाम तलबा तलबात प्रमोट होंगे। खान टीचिंग के साथ टच रहे, जो भी न्यू अपडेट्स होगी वो आपसे जरूर शेयर की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप तमाम तलबा तलबात को कामयाब करें, खुश रहें, आबाद रहें।